बच्चों को नई तकनीकी और प्रोजेक्ट के माध्यम से जानकारी मुहैया कराने के उद्देश्य से फाउंडेशन ऑफ यंग वीटर द्वारा इंदौर के बास्केटबॉल क्लब में कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर के कई स्कूलों के लगभग 3000 से अधिक बच्चे शामिल हुए थे। दरअसल अलग अलग स्कूलों से आए 3000 से अधिक स्कूली बच्चे कार्यक्रम में शामिल हुए। आयोजन का उद्देश्य यह था कि बच्चों को नए प्रोजेक्ट और नए तकनीक से रूबरू किया जाए, जिसमें इंदौर के अच्छे प्रोजेक्ट को दिखाया गया। साथ ही अलग अलग सूची से यंग इंडिया वर्सेस को शामिल किया गया। आयोजक ने बताया कि बहुत सारे इंडियन वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जिनमें वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्नो इनोवेशन नेशन का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सर्टिफिकेट मिला। टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा जॉब रोबोटिक चीजें आकर्षित करती हैं। कार्यक्रम में लोगों ने अपने अपने प्रोजेक्ट को रखा, से बच्चों को सीखने का मौका मिला। सर, इनोवेशन का कार्निवल हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, जिसमें इंदौर के सभी स्कूल के बच्चों को हमने इनवाइट किया था। लगभग 3000 से ज़्यादा बच्चे इस इवेंट के अंदर आए थे अलग अलग स्कूलों से। उद्देश्य यह था कि बच्चों को नए प्रोजेक्ट्स, नई टेक्नोलॉजी के प्रति अवेयर किया जाए, उनको इनके बारे में अवेयरनेस के साथ में सिखाया भी जाए और इंदौर में सभी लोगों के साथ में क्या हो रहा है वो एक प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाए। इसलिए बास्केटबॉल में आयोजन किया था, जिसमें हमने एग्जीबिशन रखी थी। इंदौर के बेस्ट ऑफ द बेस्ट, अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट जो थे वहाँ पर हमने दिखाए। साथ में इंडिया भर से बहुत सारे यंग इन्फ्लुएंसर्स आए थे अलग अलग सिटीज़ से, जिन्होंने हमारे बच्चों के साथ में इंटरेक्शन किया। तीसरा, हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया है, जिसमें वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्नो इनोवेशन लेसन का हमें वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से सर्टिफिकेट मिला। और चौथा, हम लोगों ने एक एग्जीबिशन करी। तो ये पूरा इवेंट था। टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा नई चीज़ तो बच्चों के लिए रोबोटिक्स टाइप की चीज़ें रही हैं। बच्चे लोगों ने रोबोट्स को देखा चलते हुए, उनको जाना कैसे काम करते हैं। बाहर अलग अलग कॉलेजेस से लोगों ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर इस्टेब्लिश किया था, तो बच्चे उन्होंने देखा और बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला।